नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं बिहार की कुछ खास खबरों की। बिहार के भोजपुर में पति ने आपसी कलह में पत्नी को मारी गोली। बिहार के भोजपुर में पति ने आपसी कलह में अपनी पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी और फिर खुद को भी गोली मार ली। इस घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। घटना बड़हरा थाना क्षेत्र के मणीशपरा गांव की है, जहां घटना की जानकारी लगते ही बड़हरा थाना की पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए आरा सदर अस्पताल भेज दिया। साथ ही घटना में प्रयुक्त हथियार को भी पुलिस ने मौके से जब्त कर आगे की छानबीन शुरू कर दी है। मृत दंपति के नाम विमलेश यादव और किरण देवी बताए जा रहे हैं, जिनकी अप्रैल 2011 में शादी हुई थी। मृत दंपति की एक 5 साल की बेटी भी है, जो घटना के बाद से ही बेसुध है। तो वही मृतक के परिजनों की माने तो दोनों के बीच पिछले 3 दिनों से विवाद चल रहा था, जिसको लेकर मृतक किरण देवी के पिता ने आकर अपने दामाद विमलेश यादव और बेटी में सुलह भी कराई थी। लेकिन गुरुवार की देर रात विमलेश ने अपने कमरे का दरवाजा बंद कर पहले अपनी पत्नी किरण की गोली मारकर हत्या की और फिर खुद को गोली मार दी। वहीं बड़हरा थाने की पुलिस हर एंगल से इस घटना की जांच में जुटी है। भोजपुर से विजय शंकर ओझा की रिपोर्ट। दोनों लोग आपस में ही गोली मारकर हत्या कर लिए। कैसे? 3 दिन से झगड़ा चलत रहे, ओकरा बाद उनका बाबूजी अइलन लड़की के समझा बुझा के गइलन, फिर बाद में तीनों आदमी बनावे खाए लगलन, लोग एक साथ रह लगलन। अचानक से आज ये सब भइल, रात में गोली अपने में मार के अंदर से ताला मार के गोली मार के मर गए लोग। का नाम पड़ी? और सूरज कुमार। उनका क्या हुआ? भतीजा।